हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। ये वीडियो देख सकते हैं 12 से 13 घंटा हुआ है और इस वीडियो में 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, नाइस वो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमें ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद मैं वीडियो को सबसे पहले रोटेट करता हूँ। मैंने वीडियो को रोटेट कर दिया हूँ। रोटेट करने के बाद आपको देखना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो भी वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा ट्रेम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो को अगेन आगे तरफ ले कराना है। आपको वीडियो कहाँ तक देख रखना है वो मैं अभी दिखा देता हूँ। सिंपल, जैसे नीचे की तरफ हुआ ऊपर की तरफ जैसे छलांग लगाते हैं इस पोजीशन में आना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर लेंगे। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, एक जो है आपको बैकग्राउंड क्लिक कर लेना है। जैसे कि देख सकते हैं खाली बैकग्राउंड है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इस बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाता है, कैप्चर एंड सेव के क्लिक कर लेंगे। ये इमेज जो है हमारा गैलरी में सेव हो जाएंगे। इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसे डिलीट कर देना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट का वीडियो सिर्फ इतना ही शूट करना है, तो कुछ इस तरह से आप शूट कर सकते हैं। तो मैं फाइनली प्ले कर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो सिंपल, लास्ट पोजीशन में आना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। लास्ट पोजीशन पे आना है और कैप्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियो को आपको 1 से 2 सेकेंड तक रखना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा, बैकग्राउंड इरेजर। सिंपल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। लोड ऑफ फोटो पे क्लिक करेंगे और जो इमेज अभी कैप्चर किए थे उस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डन का, डन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैजिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपको बॉडी वॉडी दिख रहा है उस बॉडी को सिर्फ आपको PNG में सेव कर लें, तो बिल्कुल आसानी से आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बड़ा करके बिल्कुल फटाफट PNG में सेव कर लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सेव कर सकते हैं, मैं फटाफट करता हूँ। इसके बाद सिंपल डन करेंगे, इसके बाद इस PNG को हम सेव कर लेना है। तो आपको बिल्कुल आसानी से PNG में सेव कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी PNG में सेव कर चुका था। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पोजिशन पर आ जाना है। इसके बाद जो आपने बैकग्राउंड इमेज को जो क्लिक किया था, सिंपल मीडिया पर आएंगे और यहाँ पर आपको उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जो बैकग्राउंड हमने क्लिक किए थे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको इक्वल कर देना है। सिंपल इस बैकग्राउंड को आपको 1 से 2 सेकेंड तक रखना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इस पोजीशन में आएंगे, लास्ट वाले पे लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो PNG में इमेज को सेव किए थे उस इमेज को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आपको जूम कर सही से एडजस्ट कर देना है। सिंपल इस लास्ट पोजिशन में लेकर आना है, ठीक है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पे काफ़ी ध्यान से। इसके बाद इस इमेज को हमें लास्ट तक कहाँ तक रखना है मैं बताता हूँ, इस पोजीशन में रखना है। इसके बाद यहाँ पे हम इसे स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इस इमेज पे क्लिक करेंगे, लास्ट पोजीशन पे आना है और यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद की पे क्लिक करेंगे और इस तरह से कुछ यहाँ पर आना है और प्लस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ कर देना है। जब इमेज जब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इमेज हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करते हैं, इमेज पे क्लिक करेंगे, लास्ट पोजीशन पे आना है और यहाँ पे इस इमेज को हमें नीचे की तरफ कुछ कर देना है, ठीक है। इसके बाद की पे क्लिक करेंगे सिंपल और इसके बाद इसे हमें प्लस पे करेंगे और लास्ट पोजीशन पर आ जाना है और इस इमेज को हमें कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको कर देना है, डन करना है। फाइनली आप वीडियो में प्ले करता हूँ। जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो बिल्कुल आसानी से हमारा एडिट हो चुका है, ठीक है। तो आपका आपको यहाँ पर टाइम देना है। इसके बाद यहाँ पर साउंड मैच करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। चिकन निशान पर क्लिक करेंगे, इस ट्रैक ऑडियो कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे डिलीट कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है।
शेयर पे क्लिक करना है। HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।